आज का विषय कहता है कि परमेश्वर के द्वारा मानव की खोज। परमेश्वर उत्पत्ति से लेकर अंत तक मनुष्य की खोज कर रहा है, आदमी नहीं खोज कर रहा है। दिखता है, अगर आप संसार में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हर आदमी मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, लोटा उठाए, गिलास उठाए, पैदल चलता हुआ, रोल करता हुआ, अपनी अपनी नीति के अनुसार मंदिर जा रहा है, यहां जा रहा है। आप समझते हैं कि परमेश्वर को ये लोग ढूंढ रहे हैं? नहीं, ये लोग उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जो इनके जीवन में इनका साधन दे दे। प्रेज द लॉर्ड। आपको और कुछ नहीं चाहिए? मेरी जरूरत की चीजें मुझे मिल जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए, मेरे खर्चे दूर हो जाए, प्रेज द लॉर्ड, मेरा बैंक बैलेंस हो जाए, और कुछ नहीं। परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि उसने आपको अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा है। प्रेज द लॉर्ड। आदम ने पाप किया और परमेश्वर स्वर्ग से उतरा और उसने बुलाया, आदम तू कहां है? परमेश्वर आदम को ढूंढ रहा था, आदम नहीं। आदम तो छुप गया था। प्रेरित पौलुस रोमन 3:11 में कहता है कि कोई समझदार नहीं है, कोई नहीं है जो परमेश्वर को ढूंढ रहा है, कोई नहीं है जो परमेश्वर को ढूंढ रहा है। यहां तक यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 15:16 में कि तुम मुझे नहीं चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर नियुक्त किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ढूंढने वाला कौन है? परमेश्वर। आपके दिल में बसने की इच्छा रखने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको जीवन देना चाहता है कौन? परमेश्वर। आपको ज्योति बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको नया जीवन, नया भेष, नया रूप देने वाला कौन है? परमेश्वर। हम कहां ढूंढ रहे हैं उसे? हम तो अपने स्वार्थ के लिए उसको ढूंढते हैं। क्या परमेश्वर का स्वार्थ है हमारे साथ? उसने हमें अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा है। वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। पहला यहाना 4:19 क्या कहता है? कि हमने परमेश्वर से पहले प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। और पहले प्रेम करके उसने प्रमाण दिया, अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया। उसने बताया कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। उसने बताया कि मैं तुम्हें शुद्ध करना चाहता हूं, तुम्हें पवित्र करना चाहता हूं, बिना किसी शर्त के। वो हमें आशीष देना चाहता है, वो हमारा जीवन बदलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो महिमा और आदर के योग्य क्यों है? क्योंकि वो हमारा पिता है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियन 5:18-19-20। परमेश्वर आदम को, परमेश्वर मानव को खोज रहा है, इसलिए उसने आपके मन को बदला कि आप कलीसिया आए, इसलिए आपने आपकी उसने बुद्धि खोली ताकि आप उसे जाने कि वो कौन है। वो आपकी बुद्धि खोलता है, वो आपके मन को नया करता है, आपकी आत्मा को जीवन देता है, अपनी आत्मा आप में उड़ेलता है ताकि आप उसे जाने, आप उसे समझे, आपके अंदर वो बोझ पैदा हो कि मेरा पिता मुझसे प्यार करता है। Praise the Lord. इसलिए परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार, 2 कुरिन्थियों 5:18 पढ़िए बेटा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। Amen. ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से हैं। परमेश्वर खुद आपके पास आया। परमेश्वर ने खुद आपके मन को बदला।
परमेश्वर खुद आपको संसार से लेकर कलीसिया में आया, आप नहीं आए। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने परमेश्वर को चुना है तो आप गलत समझते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आज मैं यहां पर हूं अपनी इच्छा से तो आप गलत समझते हैं। प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने कलीसिया दी है आपको, परमेश्वर ने आपको आत्मिक पिता दिया है ताकि आप उसे अच्छी तरीके से समझें। वो आपको खोज रहा है, अभी भी वो आपसे बात करना चाहता है। वो कलीसिया लेकर तो आया है आपको, लेकिन अभी भी आप आपका मन कहां है? संसार में है। आपके मन को नया करने के लिए उसने अंदर से पाप को निकाला अपनी इच्छा से। वो क्या कहता है? और सब बातें परमेश्वर की ओर से जिसने मसीह के द्वारा अपने आप हमसे मेल मिलाप कर लिया। अपने आप बैठे हुए थे मेरे भाई संसार में, आप बैठे हुए थे अंधकार में, वो आया और उसने हाथ बढ़ाया और आपका हाथ पकड़कर अंधकार से ज्योति में ले आया। अपने आप नहीं जानते थे रास्ता, आपको वो मार्ग नहीं पता था, आपको वो जीवन नहीं पता था। मुझे नहीं पता था, मैं एक बॉलीवुड से आया हूं, 5 फिल्मों का हीरो रह चुका हूं और मैं बहुत समझता था कि मैं बहुत खुश हूं, पैसे आ रहे हैं, अय्याशी करता था, रोज दारू पीता था, हजारों रुपए रोज खर्च करता था मैं, और मैं समझता था वही जीवन है। एक हिंदू परिवार में था, पंजाबी था मैं, पंजाबी हूं। मुझे नहीं पता था कि हम लोग अंधकार में बैठे, अपनी मैं पत्नी के संग अपने बच्चों के संग एक अंधकार में हूं। मैं तो समझता था देखा यार बॉलीवुड में हूं, मैं बॉलीवुड में, लड़कियां पागल थी मेरे पीछे, ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग पीछे भागते थे, जब कार से उतरता था तो कार खोला जाता था दरवाजा मेरा। मैं समझता था यही तो जीवन है, यही तो चकाचौंध दुनिया चाहती है, वो मुझे मिल गई। अनाउंसर था मैं दूरदर्शन पर, न्यूज पढ़ता था, न्यूज रीडर था, मेरी आवाज के लोग कायल थे। ऑल इंडिया रेडियो पर जब मैं बोलता था लोग सुख पाते थे और मैं समझता था कि वो ज्योति है। लेकिन क्या था मैं ज्योति में नहीं था, मैं अंधकार में था। मुझे नहीं पता था कौन है पिता, मुझे नहीं पता था कि कौन है परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। मैं तो भटक रहा था, सोमवार को कुछ पूछता था, मंगलवार को कहीं और पूछता था, बुधवार को कहीं और पूछता था, भटक रहा था मैं। कहां जाऊं, इससे मांगू उससे मांगू, कहां जाऊं, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं अंधकार में था। लेकिन जैसे ही यीशु मिला, जैसे ही यीशु मसीह ने मुझे छुआ, मेरे भाई मेरी बहन, मेरा जीवन बदल गया। और मैं सच कहूं, मुझे पता भी नहीं लगा कैसे परमेश्वर ने अंधकार से उठाकर अपनी ज्योति में मुझे रख दिया। मैं अपनी पत्नी से एक समय कहा करता था, मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं लेकिन दारू नहीं छोड़ सकता। पत्नी को बोल चुका था, लेकिन कैसे मेरे परमेश्वर ने मुझे शुद्ध किया, पवित्र किया। आज जिनसे मैं प्यार करता था उन्हीं गंदी चीजों से आज मैं नफरत करता हूं, क्योंकि मैं जान गया हूं वो शैतान की बनाई हुई है। आज मैं जान चुका हूं कि परमेश्वर कौन है और शैतान कौन है। किसने बताया, कौन है? मेरे मन को नया करने के लिए, मेरी आत्मा को नया करने के लिए यीशु मसीह ने बलिदान किया और अपनी इच्छा से, मेरी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से परमेश्वर ने हमें मसीह में शुद्ध किया, हमसे मेल मिलाप कर लिया, हमें गले लगाया, हमें पुत्र बनाया। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर आपके पास कुछ नहीं है ना मेरे भाई, तो आपका भाई, आपका बहन, आपके पिता, आपकी मौसी चाचा आपका साथ छोड़ देंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, किसी पे भरोसा करके देख लीजिएगा, लेकिन मेरे यीशु पे भरोसा करिए, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा वो आपको, क्योंकि उसने आपको थामा है सदा के लिए,
उसकी भलाई सदा के लिए है। सदा, हमेशा के लिए, हर पल के लिए। लेकिन हम कलीसिया से जैसे ही बाहर निकलते हैं, हम संसार के बन जाते हैं, हम संसार के बन जाते हैं, संसार में खो जाते हैं। प्रभु हमें खोज रहा है, प्रभु हमारे पीछे है कि मेरा बच्चा मेरे करीब रहे, मेरे बच्चा मेरे वचनों में रहे, ताकि मैं इसके जीवन में भलाई कर सकूं। लेकिन हम संसार में। चर्च हो आए, स्तुति आराधना की दान दर्शन दे दिया, बहुत है, अभी हम संसार में। प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है, अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है। परमेश्वर ने आपके साथ मिलकर मेल मिलाप किया। प्रेज़ द लॉर्ड। 19वां क्या कहता है? अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। सौंप दिया। वो कौन सा वचन है हमारे पास? मेल मिलाप का वचन कौन है? किसने परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप किया? कौन सा वचन है हमारे पास? यीशु मसीह। यीशु मसीह। यीशु मसीह ने संसार की परवाह नहीं की, वो परमेश्वर की रीति पर चला, वो परमेश्वर के नियम के अनुसार चला। उसको पता था यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान है। हालेलुया। उसने वचन यहूदा इस्करियोतियों को भी सिखाए थे, उसको भी सुनाए थे, लेकिन वो नहीं बदला। क्या किया यीशु मसीह ने? प्रेज द लॉर्ड। होता क्या है मेरी बहन, मेरे भाई, जब आप में दुष्ट आत्मा आती है और हम आपको बताते हैं कि आप में दुष्ट आत्मा आई है, मेरी बहन व्यभिचार की दुष्ट आत्मा है, आप में गलत दुष्ट आत्मा है, प्लीज अपने आप को बचाइए, और अगर आप नहीं बचाते हैं तो वो दुष्ट आत्मा आपको कलीसिया से घसीट कर ले जाती है। लेकिन अगर आप अपने रिश्तों के द्वारा अपने आप को नहीं संभालेंगे तो वो दुष्ट आत्मा आपको भी नहीं छोड़ेगी। Praise the Lord। वो जीवन जो परमेश्वर ने दिया है वो बहुत बहुमूल्य है, बहुत बहुमूल्य है। रोमियो 8:18। वो जीवन जो परमेश्वर ने दिया है वो बहुत बहुमूल्य है, हमें उसकी कद्र करनी है, क्योंकि हम परमेश्वर के खोजने को महत्व नहीं देते हैं। जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि प्रभु आपको खोज रहा है, प्रभु आपके और करीब आना चाहता है, प्रभु आपको जीवन देना चाहता है, प्रभु आपको इस धरती पर वो सामर्थ्य देना चाहता है कि आप असंभव को संभव करें। परमेश्वर चाहता है कि आप जहां से गुजरे लोग आशीष पाएं, आप दुनिया में नमक की तरह चलें, क्योंकि उस नाम में सामर्थ्य है, उस नाम में शक्ति है। इसलिए वो जो सामर्थ्य हमें परमेश्वर ने दिया वो बहुत बहुमूल्य है। इसलिए रोमियो 8:18 क्या कहता है? क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी बहन, मेरे भाई, हमें प्रभु को समझना है। हमारा ये क्लेश, हमारा ये संसार, हमारा ये रिश्ता निकल रहा है। आप सोच रहे हैं मेरा रिश्ता निकल रहा है? अरे कहीं प्रभु ना छूट जाए आपसे, कहीं अनंत काल का जीवन ना निकल जाए मेरे हाथों से। मेरा परिवार भी नहीं प्रभु में है। दिल्ली में मेरी बहन है, मुझसे नफरत करती है, वो नहीं चाहती है, वो समझती है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, मैं यीशु मसीह को पूछ रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे क्या मिला है। लेकिन क्या मेरे वो रिश्ते मुझे प्रभु से दूर कर देंगे? नहीं, मैं अपने रिश्ते को छोड़ सकता हूं लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता हूं। क्योंकि मेरी बहन, अगर मैंने अपने रिश्ते को पाया तो यीशु मसीह मुझसे दूर हो जाएगा और यीशु मसीह मुझे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन
अगर मैंने यीशु मसीह के लिए अपने रिश्ते को छोड़ा और अगर यीशु चाहेगा तो मेरा वो रिश्ता फिर वापस आ जाएगा। आपको समझने की जरूरत है, शैतान हो सकता है आपके भाई के लिए, आपके बेटे के लिए आपको खींचे। आप समझते हैं मैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा बेटा जो कहेगा वो मैं करूंगी। अरे वो बेटा नहीं है, उसमें दुष्ट आत्मा है। आप समझ नहीं रहे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वो दुष्ट आत्मा आपको भी घसीट रही है भावनाओं के चक्कर में बसाकर। हालेलुया। लेकिन अगर आप समझकर यीशु के चरणों में अपने आप को और सुदृढ़ करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है यीशु मसीह आपके बेटे को वापस लाए। लेकिन अगर आपने अपने बेटे के लिए यीशु को छोड़ दिया तो शैतान आपको फाड़ खाएगा, कहीं का नहीं रखेगा, क्योंकि शैतान भूखे भेड़िए की तरह आपकी ताक में है कि तू कब उसके पंजे में फंसता है। आप नहीं जानते मेरी बहन, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास है, हम क्यों बचे हुए हैं। आज हमारा परिवार सुखी है क्यों? क्योंकि प्रभु ने अपने दूतों को आज्ञा दी है। भजन संहिता 34:7 ध्यान से समझिए। आपको अलौकिक, आपको आत्मिक चीजों को समझना जरूरी है कि आपके इर्द गिर्द कौन है जो आपको नहीं दिख रहा है। दुनिया कहती है जो दिखता है उस पर विश्वास करो, लेकिन बाइबल कहती है जो नहीं दिखता है उस पर विश्वास करो। यीशु मसीह यहां पर है कि नहीं है? उसकी आत्मा यहां पर है कि नहीं है? वो दिख रही है, लेकिन वो है यहां पर। पढ़िए बेटा 34:7 यहोवा के डरवैयों 34:34 यहोवा के डरवैयों के चारे और उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा के डरवैयों को, जो यहोवा से डरते हैं, जो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को गुजारते हैं, उनके चारों तरफ उसके दूत जो आपको दिख नहीं रहे, आपके बच्चों के चारों तरफ उसके दूत जो आपको दिख नहीं रहे, छावनी बनाकर रहते हैं चारों तरफ। इब्रानियों 1:14 पढ़िए। छावनी बनाकर मेरे भाई मेरी बहन, काश मेरा प्रभु आपकी आंखों को, आपके मन की आंखों को खोल दे परमेश्वर, तो आप जान जाएं कि इस समय भी परमेश्वर का दूत आपके साथ है। इस समय वो रक्षा के लिए यहां पर है। इब्रानियों 1:14 क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। आमीन। उद्धार किसने पाया है? कितनों ने उद्धार पाया है? अपने हाथों को उठाइए। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है कि परमेश्वर जिन्होंने उद्धार पाया है उसकी सेवा करने के लिए स्वर्ग से आत्माओं को भेजता है। आप, ये वचन कहता है आप परमेश्वर की आंख की पुतली हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ सकता, उसके स्वर्गदूत आपकी रक्षा के लिए है। क्योंकि उसने आपको, इसलिए वो कहता है कि वो आपको खोज रहा है, ताकि आप उसके करीब आ सके, उसे आप समझ सके। शुरू से परमेश्वर खोज रहा है। इसी का 8वां पढ़िए, 34:8 भजन संहिता 34:8 परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आमीन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परख कर देखो
कि आपका यहोवा, आपका परमेश्वर, आपका पिता, यीशु का पिता, मेरा पिता कितना भला है, कितना भला है, वो आपके लिए क्या नहीं करना चाहता है, क्या चाहता है वो आपसे, क्या चाहता है आपसे, ताकि आप मेल मिलाप का जीवन जिए। किसके साथ? भलाई के साथ। उसने आपको भलाई के लिए ही चुना है, भलाई के लिए ही सजा है। दूसरा कुरिन्थियन 5:20 निकालिए। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। आमीन। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले परमेश्वर ने अपनी इच्छा से आपके संग मेल मिलाप किया, प्रेज़ द लॉर्ड, और फिर उसने क्या किया, आपको मेल मिलाप की सेविकाई दी, आपको मेल मिलाप का वचन दिया, और कह रहा है वचन की मानो परमेश्वर विनती कर रहा है, मेरी बेटी पौशाली, मैं विनती कर रहा हूं कि तेरे द्वारा तेरा समाज जाने कि यीशु कौन है। हालेलुया। तेरे द्वारा, मेरे द्वारा, आप सबके द्वारा जाने ये संसार के यीशु कौन है। इसलिए उसने हमें आनंद काल का जीवन दिया है, इसलिए वो कहता है भलाई कर, इसलिए वो कहता है भलाई कर। अगर तू भलाई करेगा, वो कैन से कहता है, उत्पत्ति 4:7, वो कैन से कहता है कि अगर तू भलाई करे तो क्या तू ग्रहण नहीं किया जाएगा, अगर तू भलाई करेगी मेरी बेटी तो तू ग्रहण की जाएगी, तुझे परमेश्वर ग्रहण करेगा, तुझे अपना बनाकर तुझे संवारेगा, अपना रूप देगा, तुझे सामर्थ्य से भर देगा, ज्योति बनाकर दुनिया में भेजेगा। भजन संहिता 119:73 पढ़िए। उसने आपको चुना है संवारने के लिए। यीशु कहता है ना कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। क्यों चुना है? ताकि वो आपको संवारे। आपके अंदर जो खोट है, जो गलतियां हैं, उसमें से उसको निकाले और आपको अपने लिए संवारे। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे हाथों से मैं बनाया और अच्छा गया हूं, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञा को सीखूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे हाथों के द्वारा, भजनकार कहता है कि तेरे हाथों के द्वारा मैं सृजा गया हूं, मैं बनाया गया हूं, संवारा गया हूं। यह एहसास मेरे भाई हमारे लिए बहुत जरूरी है। यह एहसास हमें शक्ति देता है कि आज हम जो भी हैं यीशु के द्वारा संवारे गए हैं, बनाए गए हैं, रचे गए हैं। हम क्या थे, हमारी सोच क्या थी, गलत भावनाएं, गलत विचार, गंदी सोच, गंदी दृष्टि। हम एक राक्षस थे, कभी किसी का भला ना करने वाले थे, अपने पड़ोसी से नफरत करने वाले थे, क्या थे हम। लेकिन यीशु ने मुझे बनाया, यीशु ने मुझे बताया तू प्यार कर, दुश्मनों से प्यार कर, जो तुझे सताते हैं उनके लिए प्रार्थना कर, भलाई कर। इफिसियों 2:10, उसने भलाई के लिए हमें सृजा है मेरी बहन, ताकि हम भलाई की जिंदगी जिए। हमारे अंदर यीशु है, ये हमारे कार्यों से हमारे पड़ोसी को समझना चाहिए। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं यीशु मसीह का बच्चा हूं, मेरा पड़ोसी मेरे कार्य से समझे, अरे यार ये कौन है, ये कुछ अलग है यार। Amen. पढ़िए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। Amen.
हम उसके लिए सृजे गए हैं। उसने हमें अपनी समानता अपना स्वरूप दिया क्योंकि वह भला है, उसने हमें भलाई दी। भजन संहिता 32:8, भलाई के लिए सृजे गए हैं, यहोवा भला है, उसकी भलाई सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसका चरित्र हम में रहे वो चाहता है, वो प्रेम है। हाँ पढ़िए, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उससे तेरी अगुवाई करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने, सुनिए, परमेश्वर ने हमें भलाई के लिए सजा है। जैसे ही हम भलाई करते हैं, मेरे भाई, मैं आपको सच बता रहा हूं, देखिए, आप मसीह होने के बाद भी दुख क्यों उठा रहे हैं? चर्च आने के बाद भी आपके जीवन में आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसके अनुसार भलाई नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप भलाई करेंगे, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा और जिस मार्ग पर आपकी उन्नति होने वाली है उसी पर चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी बुद्धि से अपना मार्ग चुनते हैं। आज कंप्यूटर का जमाना है यार, चलो कंप्यूटर का बिजनेस खोलते हैं। परमेश्वर कह रहा है आपके लिए नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी इच्छा से अपना मार्ग चुनते हैं और वो आपको चुनने देता है। क्यों? क्योंकि आप मसीह हैं लेकिन आप भलाई नहीं कर रहे, आपके अंदर वो गुण नहीं है, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। जो मार्ग तेरे लिए रचा है, क्या हर मार्ग हर एक के लिए रचा है? नहीं, आपके लिए अलग है, इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है, लेकिन कौन सा है? हमारी दुविधा क्या है? जब हम एक अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, आपका बच्चा जब पढ़ाई पूरी कर लेता है तो आपको सबसे ज्यादा ये होता है कि अब क्या करें यार, ये क्या करेगा, कौन सी जगह जाइए जिससे इसको सक्सेस मिले, यही चाहते हैं ना। क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा किसके लिए रचा गया है? आपके बच्चे को रचने वाला कौन है? परमेश्वर। उसने मां के गर्भ से आपको रचा है। यिर्मयाह 1:4-5 निकालिए, उसने मां के गर्भ से आपको रचा है, वो आपके बारे में जानता है। उसने क्यों रचा है वो ये जानता है। इसलिए मेरे भाई, यीशु कोई धर्म लेकर नहीं आया, यीशु चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी जिंदगी जिए, और हम तभी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं जब उसके अनुसार चले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यिर्मयाह 1:4, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया। तब से वो आपको ढूंढ रहा है, आपकी किस कोख में तू जाएगा, तू क्या बनेगा। मेरे भाई, अगर हम आज असफल हैं तो आपकी गलती है। आप परमेश्वर के अनुसार चलिए, परमेश्वर ने आपको भलाई के लिए सजा है। आप देखिए परमेश्वर आपको कहां से कहां पहुंचाएगा। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, अभी भी। अगर हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। उसने यूं ही अपनी आत्मा आपके अंदर नहीं दी है मेरे भाई, वो आपसे ज्यादा अपनी आत्मा से प्रेम करता है। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने आपको शुद्ध किया, आपको उसने पुत्र बनाया, और आप हमेशा उसके पुत्र रहे, इसलिए अपनी आत्मा की छाप आपको दी है। वो बहुत प्यार करता है, इसलिए वो कह रहा है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया,
मन लगाया। मेरी बहन, परमेश्वर का मन आप में लगा हुआ है। आपका मन कहां पर है? आपका मन कहां पर है? क्या हमारा मन परमेश्वर में लगा है? नहीं, हमारा मन तो संसार में लगा हुआ है। हम जो चीजें चकाचौंध देखते हैं उस पर लगा हुआ है। टीवी में जो अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं उस पर लगा हुआ है। हमारा मन कहां लगा है? उसने अपना मन हम पर लगाया है। क्या हमने अपना मन उस पर लगाया है? जिस दिन आप अपना मन उस पर लगाएंगे ना मेरी बहन, उस दिन आपके अंदर बोझ पैदा होगा कि मैं यीशु के लिए क्या कर रही हूं। मुझे यीशु ने चुना है, मुझे संवारा है, मुझे नया किया है, मुझे अनंत काल का जीवन दिया है, मुझे स्वर्ग का अधिकार दिया है। यीशु मुझे लेने के लिए आने वाला है। मैं यीशु के लिए क्या कर रही हूं? मैं यीशु मसीह के लिए क्या कर रहा हूं? क्या आपने अपना मन यीशु पे लगाया? उसने अपना मन आप पे लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। हेलो, आप अभिषिक्त हैं? बोलिए, मैं अभिषिक्त हूं। मैं अभिषिक्त हूं। मैं अभिषिक्त हूं। इसलिए अपने मन से, अपनी जबान से मत बोलिए कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कभी मत बोलिए मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मत बोलिए, चाहे आपका आदमी कितना ही खराब क्यों ना है, मत बोलिए। क्योंकि बाइबल कहती है कि आप उसकी, आपकी माता के जब अंदर थी तब से अभिषिक्त हैं। आप अभिषिक्त हैं मेरी बच्ची। मत बोल कि तू कुछ नहीं कर सकती। नहीं, तेरे द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है। मत अपने आप को नकारिए। मेरा मन कहां लगा है? क्या फोन पे कोई कॉल आने वाली है उस पर मेरा मन लगा है? मेरे धंधे पर मेरा मन लगा है? मेरे काम पे मेरा मन लगा है? मेरा मन कहां लगा है? उसने आपको अभिषेक किया है। परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया। सोचिए कि परमेश्वर जब आपका अभिषेक करता है तो आप पूरी तरह से उसके बन जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। उसकी पवित्रता आप में है, उसका सामर्थ आप में आ जाता है। हालेलुया। किसी और ने आपके माथे पर हाथ नहीं रखा, किसी और ने नहीं, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने गर्भ में रचने से पहले तुझे अभिषिक्त किया है। इसको समझिए मेरी बहन, इसको समझिए मेरे भाई। आप कौन हैं? मैं अभिषिक्त हूं। कभी मत अपनी जबान से कहिए कि नहीं यार, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी उम्र हो गई है, नहीं अभी धंधा नहीं हो सकता, अभी मेरे पति का नहीं हो सकता, अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे बच्चों को। नहीं, आप गलत चीज मत निकालिए अपनी जबान से, क्योंकि परमेश्वर के दूत आपके साथ हैं। परमेश्वर के दूत आपकी सेवा कर रहे हैं। उसकी आज्ञा है कि जो मेरा भय मानता है, ऐ दूत, ऐ सरदूत, जा उसकी सेवा कर। yes, आपके साथ चल रहे हैं। परमेश्वर से कहिए कि पिता मुझे वो आंखें दे दे कि मैं तेरे आशीष को देख सकूं, तेरे दूत को देख सकूं। मेरे भाई, मैं सच कह रहा हूं, आपका आप गड़ जाएंगे। मैंने शायद आपको बताया है, एक बार जॉनी भाई ने मुझे बताई थी ये स्टोरी। एक लड़की मॉडलिंग करती है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, जॉनी भाई, जॉनी लिवर, उन्होंने मुझे बताया। अनिल, वो लड़की आई और रात को एक बार पार्टी से आई 2 बजे। विश्वासी थी, यीशु मसीह पर विश्वास करती थी। उसके घर का, उसका जो घर था वो मेन रोड से
काफी दूर था, आधा एक पौना किलोमीटर था। उसके दोस्तों ने वहां गाड़ी से उतारा और एक छोटी सी गली के द्वारा उसको अपने घर जाना था। वो जैसे ही गाड़ी से उतार कर उसके दोस्त चले गए, वो अकेली थी। सामने देखा एक बस स्टैंड है, एक बस स्टैंड पर बड़ा मोटा गुंडा खड़ा हुआ था और वो लड़की को देख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, उस लड़की को डर लगा, वो रुक गई। उसने प्रभु को याद किया कि यीशु दया कर, मुझे सुरक्षा दे, मुझे सुरक्षा दे, मैं यहाँ से डर लग रहा है, अपने दूतों को भेज। और वो डर गई, उसने प्रार्थना की और धीरे धीरे उसमें हिम्मत आई प्रार्थना करने के बाद, और धीरे धीरे चल रही है और वो देख रही है बस स्टैंड पर कि वो जो गुंडा है वो उसको देख रहा है, लेकिन वहाँ से हिल नहीं रहा है, गुंडा उसे देख रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता बस स्टैंड को पार करके अपने घर पहुंची। सुबह लेट उसकी नींद खुली, तकरीबन सुबह 10 बजे, तो हो हल्ला हो रहा था कि बस स्टैंड पर एक बुजुर्ग आदमी का खून हो गया। रात को एक बुजुर्ग आदमी का खून हो गया, पुलिस आई हुई थी और वहां पर बस स्टैंड के पास थी। वो गई वहां पर, उसने देखा उस आदमी को मरे हुए। उसने पुलिस से कहा, हाँ ये अंकल तो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, मैं रात को 2 बजे यहां से गुजर रही थी, ये अंकल मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। अब इसका तो पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, किसने इसका खून किया आपको, आप बता सकते हैं? तो उस लड़की ने कहा, यहां पर एक गुंडा जैसा आदमी खड़ा हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि उसने किया कि नहीं किया, लेकिन ये अंकल मेरे पीछे आ रहे थे। और तो पुलिस ने कहा, इंस्पेक्टर ने, कि हमने इस इलाके के कई गुंडों को गिरफ्तार कर लिया है, तो पुलिस स्टेशन में है, तो आप चलेंगी, अगर उनमें से कोई होगा तो आप पहचान लेंगी। तो किसने कहा, ठीक है मैं पहचान लूंगी। वो पुलिस स्टेशन गई और वहां लाइन से कुछ गुंडे खड़े हुए थे, और जैसे ही वो गई उसने पहचाना वो गुंडा बीच में खड़ा हुआ था। कहता, हाँ साहब ये खड़ा हुआ था, ये गुंडा था रात को जो उस समय था। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा कि भाई तुम ही थे? अब उसे मानना पड़ा गुंडे को। कहता, हाँ साहब मैं ही था, मैंने उस बुढ़े आदमी को मारा है। अब पुलिस इंस्पेक्टर को एक सवाल आया, उसने कहा, यार इतनी खूबसूरत लड़की तेरे सामने से जा रही थी, तूने इसको छोड़ दिया और उस बुढ़े आदमी को तूने पकड़ लिया। तो वो गुंडा बोलता है, साहब मैं पकड़ना तो इसे ही चाहता था, इसको ही मारना चाहता था, इससे ही लूटना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता इसके दाएं बाएं 2 आदमी इसको घेरे हुए चल रहे थे। सफेद पोशाक पहने हुए 2 आदमी इसके आजू बाजू चल रहे थे। उस लड़की ने कहा, नहीं मैं तो अकेली थी, कोई नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसे याद आया कि परमेश्वर ने अपने सरदूतों को मेरी रक्षा के लिए भेजा। आप नहीं जानती मेरी बहन, कई बार आपको महसूस हुआ होगा कि आप गिरने वाली हैं और किसी ने आपको सहारा दे दिया। कई बार आप बचे हैं, वो कोई और नहीं था, परमेश्वर का सरदूत था जो आपके साथ था। आप नहीं जानती हैं, परमेश्वर अलौकिक रूप से आपकी सहायता करना चाहता है, अलौकिक रूप से, क्योंकि आप अभिषिक्त हैं, आपका अभिषेक किया हुआ है परमेश्वर ने। भजन संहिता 32:6, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कब सुनना चाहता है? जब आप भलाई करें, जब आप परमेश्वर के चरणों में रहें, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार रहें, क्योंकि उसने आपको सृजा ही इसीलिए है। अगर आपके जीवन में कोई गलत काम हो रहा है तो आप उम्मीद मत करिए कि परमेश्वर आपको सुख देगा, आपको भलाई के लिए ही सृजा है, भले काम के लिए सृजा है। 32:6, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट, ऐसे समय में हमें प्रार्थना करनी, हमें परमेश्वर क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता हमें? क्योंकि हम पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो हमें नहीं मिलता है। वो कब मिलेगा? जब हम उसके अनुसार चलेंगे।
हेलो, आपका पति आपको मारता है, आपका पति दारू नहीं छोड़ रहा है, आपका पति आपको बहुत परेशान करता है, लेकिन अगर आप अपनी भलाई नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके पति को ठीक करेगा। लेकिन अगर आप ही अपने न्यायाधीश बन जाएंगे और अपने पति को भी मारना शुरू कर देंगे, उसको खाना नहीं देंगे, एक पत्नी का कर्तव्य नहीं निभाएंगे, तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? क्या कहता है? इस कारण हर भक्त ये जाने कि परमेश्वर के करीब कब आना है। हालेलुया। देखिए, शैतान आपको बहकाता है, शैतान आपके मन को भड़काता है, शैतान कलीसिया में फूट डलवाता है, शैतान आपको अगुओं के खिलाफ कर देगा, पास्टर के खिलाफ कर देगा। ये आपको पहचानना है। अगर आप परमेश्वर के चरणों में हैं और समर्पित हैं, तो आपको पहचानना है कि आपको क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, एक और बड़ी अच्छी प्रार्थना है, 28 का प्रेज 28 का दो, बनसेता 28 का दो। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की और अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। उस पवित्र स्थान पर कब पहुंच सकते हैं आप? कैसे पहुंच सकते हैं? किन हालात में पहुंचेंगे? जब आपके अंदर उसकी पवित्रता होगी, जब आपके अंदर उसके वचन होंगे, जब आपके अंदर उसकी भलाई होगी, जब आपके अंदर उसका चरित्र होगा। वो क्या कहता है भजनकार? कि तू मेरी दुहाई तब सुन जब मैं उस पवित्र स्थान के सामने आऊं। क्या हम अपनी प्रार्थनाओं में कभी हमने महसूस किया है कि हम उस पवित्र स्थान पर पहुंच गए? नहीं, क्योंकि हमारी प्रार्थना हम इस तरीके से करते हैं जैसे एक इंसान सिर्फ अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहा है। हम किससे मांग रहे हैं? हेलो, हम किससे मांग रहे हैं? उस परमेश्वर से। हालेलुया। जब हम उसके सामने प्रकट होते हैं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? हमारी सोच क्या होनी चाहिए? हम मोबाइल पे बात करते करते परमेश्वर से बात करते हैं, मोबाइल सुनते सुनते हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते करते अपने पति को भी ऑर्डर देते हैं, ये करो वो करो। मैं सच कह रहा हूं, हमने परमेश्वर को बहुत इजी ले लिया है कि वो तो हमारी हमें चुनेगा ही। आप चर्च में आओ, आपको पास्टर बुलाएगा ही। लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि नहीं यार, देखो तुम, हम दो हफ्ते चर्च नहीं जाएंगे, देखना पास्टर का फोन आता ही है। पास्टर का फोन आएगा ही आएगा। 3 हफ्ते ना जाओ तो पास्टर खुद आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं जिसे मैं समझता हूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी चुना हुआ अभिषिक्त भाई या बहन परमेश्वर से दूर हो। मैं सच कह रहा हूं, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। एक पासवान होने के नाते मैं कुछ भी, मैं सच कहता रहा हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं किसी तरह आपके काम आ सकूं, और जो मुझे बोझ परमेश्वर ने दिया है, जो कार्य दिया है, मैं उसके अनुसार चलूं। मेरा सिर्फ यही मन करता है। कभी कभी आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जेन्युइन होती हैं, कईयों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं मानता हूं। लेकिन कई बार हम समझते हैं कि हम नहीं जाएंगे, पास्टर तो हमें बुला ही लेगा, हम ये नहीं करेंगे, पास्टर तो नहीं। ये सोचना गलत है।
ठीक है आप पास्टर को ऐसा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर आपके मन को तो देख रहा है ना, क्या परमेश्वर से आशीष पालेंगे? Praise the Lord. मैं आज अगर आपको भावनाओं में बहकाकर आपसे पैसे ऐठूं तो क्या परमेश्वर मुझे माफ करेगा? नहीं माफ करेगा आपको। अपनी बताऊं संख्या बताऊं, मेरी ये प्रॉब्लम है, और अगर मैं बताऊंगा तो हो ना हो कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो मुझे हेल्प करेंगे, लेकिन अगर वाकई मैं तंगी में नहीं हूं तो क्या मेरा पिता मुझे माफ करेगा? इसलिए मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं सिर्फ अपने पिता के सामने हाथ फैलाता हूं। मुझे कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, आप सब लोग जानते हैं मैंने आज तक किसी के सामने नहीं कहा कि आप मुझे मेरे बेटे की फीस देनी है, मेरे ये करना, नो, आज तक, क्योंकि मैं मेरे पिता को जानता हूं। और जब मेरा पिता मेरे लिए हमेशा तैयार है तो मैं आपके सामने हाथ क्यों फैलाऊं? और अगर मेरा पिता चाहेगा मुझे देना आपके द्वारा तो वो आपसे बोलेगा, आमीन, वो आपके मन में डालेगा, मिस्टर आरडी पास्टर को 10,000 रुपए दे दो, आपके अंदर बोझ आएगा, आप देंगे, आपसे कहेगा मेरा पिता, क्यों? क्योंकि मेरा पिता जिंदा है। इसलिए हम अपनी जरूरतों की जो जरूरतों का पहाड़ है परमेश्वर के पास लेके जाए, वो हमारी मदद करेगा ही करेगा। जब उसने हमें अपनी मां की कोख में जन्म लेने से पहले उसने हमें हम पर मन लगाया और अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दिया, क्या वो हमें रोटी नहीं देगा, हमें सर्विस नहीं देगा वो? अरे हमने क्या समझा अपने पिता को? हालेलुया, वो क्या हमसे मांग रहा है? कुछ नहीं, प्यार, विश्वास, कुछ नहीं मांग रहा वो आपसे ब्रदर। दुनिया आपसे मांग रही है, दुनिया आपके संग स्वार्थ रखती है, परमेश्वर नहीं। Praise the Lord. इसलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है, हालेलुया, लेकिन आपको उस भलाई के लिए चलना है। मूसा जिसको परमेश्वर ने चुना था, बचपन से अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन तो आपको पता चलेगा किस तरीके से मूसा का जन्म हुआ, किस तरीके से परमेश्वर ने उसको बचाया। मैं इब्रानियों 11:24-25-26 निकालिए, मूसा ने किस तरीके से, फिरौन की बेटी ने उसे गोद लिया, वो फिरौन की बेटी का यानी कि राजकुमार की तरह वो 40 साल तक उस महल में रहा फिरौन के साथ। प्रेज द लॉर्ड, 40 साल तक वो एक योद्धा की तरह रहा, एक राजकुमार की तरह रहा, उसे सब कुछ चाहता था, उसके लिए सब कुछ बहुत इजी था, सब कुछ उसे मिल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जाना कि वो एक इब्रानी है, जैसे ही उसने जाना कि परमेश्वर की योजना क्या है, जैसे ही उसने जाना कि मेरा काम क्या है, मुझे परमेश्वर ने क्यों चुना है, उसी पल वो उस मिस्र को छोड़कर मैदान शहर में आ गया। प्रेज द लॉर्ड, जिसे हम परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर देंगे, मेरी बहन मेरे भाई, परमेश्वर आपको ढूंढता हुआ आएगा। मूसा ने जिस दिन जाना कि नहीं, मेरा जीवन परमेश्वर के लिए है, मैं चुना गया हूं परमेश्वर के लिए, मैं एक इब्रानी हूं, परमेश्वर की चुनी हुई जाति, और वो मैदान शहर में आया। प्रेज द लॉर्ड, पढ़िए 11:24, 11:24, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। Praise the Lord! विश्वासी के द्वारा उसने समझा कि मेरा प्रभु मुझे क्या चाहता है,
एक दो दिन नहीं, 40 साल तक वो मैदान शहर में रहा और उसने किसी को अपना नाम नहीं बताया। 40 साल कहां था वो? राजकुमार की जिंदगी जी रहा था। मेरे भाई, हम प्रभु को पाने के लिए क्या कर रहे हैं? हमने प्रभु के लिए क्या छोड़ा है? मूसा ने महल छोड़ दिया, अपना ओहदा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए जीना चाहता था। महल छोड़कर वो भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसने एक बार भी नहीं कहा कि परमेश्वर तूने मुझे कहां ला दिया है, मैं कहां था, मैं तेरे लिए आया। आज हम कभी कभी जब हम सेविकाई करते हैं तो मैंने बड़ों बड़ों को टेस्टमनी देते हुए देखा है कि मैंने प्रभु के लिए अपना ये छोड़ा, मैंने प्रभु के लिए ये छोड़ दिया, मैंने प्रभु के लिए धंधा छोड़ दिया। हम कुछ नहीं छोड़ सकते परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने हमें चुन लिया, ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने इस योग्य हमें बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। मूसा ने नहीं कहा कि परमेश्वर मैंने तेरे लिए छोड़ा है। वो जान गया था कि वो इब्रानी है, वो जान गया था कि परमेश्वर की योजना उसके जीवन में है, इसलिए उसने विश्वास के साथ उस महल को छोड़ दिया। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख के भोगने से परमेश्वर के लोगों के लिए दुख भोगना और उत्तम लगा। आज हम क्या कर रहे हैं? हम थोड़े से सुख के लिए समझौता करते हैं, थोड़े से सुख के लिए हम झूठ बोलते हैं, थोड़े से सुख के लिए हम धोखा देते हैं। वो सुख जो पल भर का है, हम उस सुख का अनादर कर देते हैं जो परमेश्वर का अनंत काल का है। उसकी हम कीमत नहीं रखते। हालेलुया। हमें चुना परमेश्वर ने, जीवन परमेश्वर ने दिया है, संवारा परमेश्वर ने, रचा परमेश्वर ने, मन परमेश्वर ने लगाया है, लेकिन हम संसार से निकल ही नहीं पाते। हम ये विश्वास ही नहीं करते कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। कब करेगा? जब आप विश्वास करेंगे। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे भाई, परमेश्वर आपके जीवन में काम ही नहीं कर सकता है। परमेश्वर सिर्फ विश्वास चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। आज सुबह से शाम तक जब सुबह निकले और रात को घर वापस आए, तो अपने आप को जांचिए कि आज मैंने थोड़े से सुख के लिए परमेश्वर को नहीं छोड़ा। देखिए मैं कहां कहां, शैतान आपको आजमाइश में लगाएगा, आजमाइशें आएंगी आपके पास। एक काम मिल रहा है उसमें थोड़ा झूठ बोलना है, आएंगी आजमाइशें मेरे भाई, आएंगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको उठाएगा। 40 साल उस महल में रहने के बाद मूसा अपनी इच्छा से 40 साल एक गांव में रहा, मैदान शहर में रहा, और क्या चरा रहा था? भेड़ बकरियां। उसके बाद अगर आप निर्गमन पढ़ेंगे 3, तो आपको पता चलेगा कि उस मूसा को बुलाया किसने? मैदान शहर में कौन आया? परमेश्वर। और उसने एक बार नहीं, 2 बार नाम लिया, मूसा, मूसा। वो डर गया। मूसा को आज तक, मूसा ने आज तक किसी को अपना नाम ही नहीं बताया था। ये मेरा नाम लेने वाला कौन है? कौन मेरे नाम से जानता है मुझे? प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के लिए भलाई अपने जीवन में उत्पन्न करते हैं, जब हम ये कदम उठाते हैं कि नहीं, मुझे परमेश्वर के लिए जीना है, मुझे भलाई करनी है, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत सामर्थ्य लेकर आता है। मूसा ने अपने जीवन को बदल दिया। हन्ना, एक करेक्टर है हन्ना, पहला शमूएल, अगर पहला अध्याय पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर दी थी। क्यों?
क्योंकि वो चाहती थी मेरा बच्चा मुझे बचाओ, मेरे बचाओ, मेरे बचाओ, सबके बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है, मेरे बच्चा नहीं है। जिस दिन उसे एहसास हुआ कि उसको परमेश्वर के लिए जीना है, उस भलाई के लिए जीना है जिसके लिए उसने सर्जा है, जिस दिन उसने वाचा बांधी कि परमेश्वर आप ये मेरी कोख खोलेंगे, मेरे बच्चा देंगे, तो मैं तुझे समर्पित कर दूंगी, ये बच्चा तेरे लिए जीवन भर तेरी सेवा करेगा। हालेलुया। जिस दिन हन्ना ने संसार से निकलकर परमेश्वर का बनना स्वीकार किया, जिस दिन हन्ना ने यह तय किया कि मेरे जीवन में परमेश्वर, संसार की इच्छा नहीं परमेश्वर की इच्छा काम करेगी, उस दिन चमत्कारिक तरीके से हन्ना की कोख खुल गई और शमूएल पैदा हुआ। और हन्ना ने बता दिया कि परमेश्वर मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं। उसे संसार को शमूएल को नहीं दिखाया, दुनिया को नहीं बताया मेरे बेटा देखो तुम लोग मुझे बांझ कहते थे, देखो मेरा बेटा नहीं। वो उसको दूध पिलाती रही और परमेश्वर के बारे में बताती रही, बताती रही। वो अपना अपनी वाचा को निभाती रही। और जब 3 साल का हुआ शमूएल, उसने परमेश्वर के लिए उसको छोड़ दिया। कोई बर्थडे नहीं मनाया, कोई खिलौना लेके नहीं दिया अपने बेटे को, एलकाना की बीवी थी वो, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े नहीं दिए, एक एपोज उसके चारों तरफ बांध दिया, क्योंकि तुझे यहोवा की सेवा करनी है। और जिस दिन उसने किया, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने 5 बच्चों से उसे आशीष दिया। आप, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के लिए करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि सूद समेत परमेश्वर आपको देगा, सूद समेत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि अगर तुम मेरे लिए अपने मां बाप को छोड़ते हो, मेरे लिए अपने संसार को छोड़ते हो, मेरे लिए धंधे को छोड़ते हो, मेरे लिए बिजनेस को छोड़ते हो, मेरे लिए नौकरी को छोड़ते हो, तो इसी आयु में, इसी जीवन में तुम्हें 100 गुना मिलेगा, 100 गुना। ये यीशु मसीह का वादा है, अगर तुम मेरे लिए छोड़ते हो। परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर के लिए इतना करेंगे ना मेरी बहन, अगर एक आत्मा आपके द्वारा कलीसिया में आएगी तो आप नहीं जानते कि आपको कितना प्रतिफल मिलेगा। एक आत्मा को अगर आपने सुसमाचार सुनाया और एक आत्मा अगर परमेश्वर के चरणों में आ गई आपके द्वारा, आप नहीं जानते कि आपने क्या किया। आपको उसका कोई धर्म नहीं बदलना है, हमें किसी का उसको सच बताइए, सच क्या है, यीशु कौन है, क्यों मरा वो आपके लिए, बीमारी लाने के लिए नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहता है बाइबल में फिलिपियो 1:9-10 के अनुसार पौलुस कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम उस सच्ची ज्ञान को प्राप्त करो।